हेलो एवरीवन, आज हम हॉस्टल वायरिंग के बारे में जानेंगे। ये हमारा मास्टर स्विच है। अगर ये मास्टर स्विच को हॉस्टल के वार्डन ने ऑन कर दिया तो देखो यहाँ पे सारे के सारे बल्ब क्या हो गए, रूम के ऑन हो गए। अब क्या है कि यहाँ जो रूम में बच्चे रह रहे हैं, अगर ये अपने अंदर के जो स्विचेस लगे रूम के अंदर, अगर इनको ऑन या ऑफ करें तो कंट्रोल उनके हाथ में नहीं रहेगा। मैं इसको आपको करके दिखाता हूँ। ये देखो, मैंने स्विच को ऑन किया, ऑफ किया, कोई भी इस पे फर्क नहीं पड़ा। ऐसे ही यहाँ पे भी दूसरे रूम के स्विच को ऑन ऑफ किया तो कोई भी यहाँ पे बल्ब में कोई भी फर्क नहीं पड़ा। अगर हॉस्टल का वार्डन ने स्विच को सप्लाई को ऑन कर दिया और ये टाइम कौन सा होगा, स्टडी टाइम होगा, पढ़ने का टाइम होगा, तो उस समय बच्चे चाह करके भी अपने रूम की लाइट को ऑन ऑफ नहीं कर सकते हैं, वो क्या रहेंगी, हमेशा के लिए ऑन रहेंगी। अब क्या हुआ कि स्टडी टाइम कंप्लीट हो गया, रात का टाइम आ गया, अब हॉस्टल का जो वार्डन है वो क्या करेगा, इस स्विच को ऑफ कर देगा, मास्टर स्विच जो लगा इसको ऑफ कर देगा। अब इस स्विच को ऑफ